एमसी स्टैन ने अब्दू को लगाई डांट, बमुश्किल आंसू रोकते हुए नजर आए अब्दू रोजिक। एमसी स्टैन से नाराज हुए अब्दू के फैंस, सोशल मीडिया पर एमसी स्टैन को लगा रहे हैं फटकार। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में एमसी स्टैन बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। उनका गेम स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन उनके फैंस का जबरदस्त सपोर्ट उन्हें मिलता रहता है। एमसी स्टैन खुद शो छोड़कर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन ये फैंस की ही बदौलत है कि वो शो में अब भी बने हुए हैं। एमसी स्टैन को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन एमसी स्टैन ने अब्दू के फैंस की नाराजगी अब मोल ले ली है, क्योंकि बीते एपिसोड में एमसी स्टैन अब्दू रोजिक को एक बात पर बुरी तरह से डांटते हुए नजर आए, जिसके बाद अब्दू रोजिक का चेहरा बिगड़ गया था और वो लगभग रोने ही वाले थे, लेकिन वहां उन्होंने खुद को संभाला और वो उनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते नजर आए। इस वीडियो को देखकर अब्दू के फैंस अब्दू की तारीफ कर रहे हैं कि अब्दू बेहद स्ट्रांग है, और जो वीडियो देखकर नजर आ रहा है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब्दू रोजिक ने खुद के स्ट्रांग होने का परिचय दिया है। वो उस विषय पर रो सकते थे, अपने जज्बातों को जाहिर कर सकते थे, लेकिन शायद उन्हें साजिद की वो बात याद आ गई कि हम यहाँ जोकर हैं और जोकर रोता नहीं है, वो सिर्फ हंसाने के लिए होता है। जब तक वो हंसा रहा है तभी तक लोग उसे देखते हैं, और जब वो रोने लगता है तो कोई भी उसे रोते हुए देखना पसंद नहीं करता, और शायद यही कारण है कि अब्दू रोजिक वहां रोए नहीं बल्कि उन्होंने खुद को वहां संभाल लिया। लेकिन अब्दू रोजिक के फैंस का गुस्सा अब एमसी स्टैन पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एमसी स्टैन के बारे में लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, यहां तक कि सलमान खान को भी ये नसीहत दी गई है कि शिव साजिद और एमसी स्टैन की जो मंडली है वो अब्दू रोजिक को फुटबॉल की तरह यूज कर रही है, लेकिन सलमान खान कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाते। तो अब देखना ये होगा कि इस वीकेंड का बार क्या एमसी स्टैन को अब्दू को डांटने के लिए फटकार मिलेगी, या फिर सलमान खान एमसी स्टैन को आईना दिखाएंगे। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएं।